दोस्तों, भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में आकांक्षा की मां ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई है और सीएम योगी से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की मौत के मामले में समर सिंह और संजय सिंह सहित होटल मालिक को गिरफ्तार किया जाए, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे। दोस्तों, 25 मार्च को वाराणसी के होटल में भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का शव मिला था। अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी आकांक्षा दुबे के पैतृक घर भदोही में परिवार की सांत्वना देने पहुंची थी। दुख की इस घड़ी में उनके घर आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। दोस्तों, आकांक्षा के परिजन इसे सुसाइड मानने को तैयार नहीं हैं। उनके घर पर मातम पसरा हुआ है। एक्ट्रेस की मां रो रो कर सीएम योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। उनका कहना है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और उनकी बेटी को न्याय दिलाया जाए। दोस्तों, आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि प्रोड्यूसर समर सिंह और संजय सिंह को सजा दिलाई जाए। मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, उसको मारा गया है। उसका 3 साल से काम का करोड़ों रुपए बकाया था। आकांक्षा ने मुझे बताया था कि उसे समर के द्वारा लगातार टॉर्चर किया जाता है। वो किसी के साथ काम नहीं करने का दबाव बनाता था और उस रात वो भी उसके कमरे में था। आकांक्षा की मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। परिवार के लोग इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं हैं। परिजनों का आरोप है कि उसे मारकर फांसी के फंदे से लटकाया गया है। पिता ने कहा कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, उसको मारा गया है। तो दोस्तों, इस वक्त की ये एक बड़ी खबर है जो कि बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, आगे की खबरों को, पल पल के खबरों को सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए।